हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं की वजह से हम लोग भी ठीक हैं। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक मज़ेदार रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बीप पाया रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। आप लोग तो बहुत तरीके से बना के खाए होंगे, लेकिन आज बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बना के आप लोगों को दिखाऊँगी। पाया बनाने के लिए देखिए, बीफ पाया लिए है। पाया अच्छी तरह से साफ करके, ठंडे पानी से साफ करके धो लिए है और गर्म पानी से भिगो के रख दिए थे। सारे साफ कर लिए हैं। अभी एक कुकर में दे देना है बॉईल करने के लिए। सारे कुकर में दे दिए हैं। इसमें मैं दे दूँगी स्वाद अनुसार नमक, इसमें दे दूँगी ज़ीरा पाउडर, छोटे इलायची, बड़े इलायची, दालचीनी, प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची पाउडर, ज़्यादा नहीं दूंगी पाउडर, सरसों का तेल, सारे मसाला दे दिए हैं। इसमें पानी देके, ढक्कन देके अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। पानी दे दिए हैं, अभी ढक्कन देके अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। बॉईल करके आप लोगों से मिलती हो। ये देखिए फ्रेंड्स, हड्डी अच्छी तरह से बॉईल कर लिए है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। मैं भी तड़का दे दूंगी। देने के लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए है। इसमें सरसों का तेल दे दिए है। इसमें दे दूंगी जीरा, प्याज और तेज़पत्ता। प्याज अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। प्याज फ्राई कर लिए है। अब ये सारे हड्डी में दे दूंगी। तड़का दे दिए है। देखिए कितनी अच्छी कलर आई है, बहुत ही बढ़िया खुशबू निकल रही है। अभी फिर से ढक्कन देखिए 10-15 मिनट तक इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम में पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, पाया हमारी पूरी तरह से हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही बढ़िया खुशबू निकल रही है, बहुत ही अच्छी और दरदरा हो चुकी है। मैं एक थाली में सर्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की हमारी बीफ पाया देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने बना के दिखाई है, कितनी अच्छी और दरदरा हो चुकी है। आप लोग भी इस तरह से बना के ज़रूर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।